दुनिया के अंदर वो सफर ही नहीं है जिसको दुश्मन नसीब ना हो। अरे वो जिंदगी क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो मिजाज ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो म्यार ही क्या जिसको दुश्मन नसीब ना हो, वो इम्तिहान ही क्या जिसको दुश्मन नसीब ना हो, वो जिंदगी क्या जिसको अदावतों का सामना ना करना पड़े। व्हाट इज दैट लाइफ दैट डजंट फेस ऑपोजिशन, व्हाट इज दैट आइडिया दैट डजंट फेस नेथिंग, व्हाट इज दैट क्रिएटिविटी दैट डजंट फेस क्रिटिसिज्म इन दिस वर्ल्ड। बेटा तीरों के रुख से कलेजे जिगर का साइज नापा जाता है। वो जिंदगी क्या जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठाई गई, वो जिंदगी क्या जिसने भंड नहीं मारे हो गलतियां नहीं की, वो जिंदगी क्या जिसने ऑफ द ग्रिड लूज ना ले लियो अपनी स्ट्रगल, वो जिंदगी क्या चलते चलते ट्रेन से उतर गया फजूल के अंदर जंगल में मुंह मारने के लिए, वो जिंदगी क्या जो गलतियों से भरी ना हो। लेकिन लोग बैठे होंगे बच्चे, लोग ऐसे बाइनोकुलर्स लगा के लोग बैठे होंगे तेरी गलतियों को ग्लोरीफाई करने के, और इतना सा नहीं छोड़ेंगे तुझे, इतना सा नहीं छोड़ेंगे तेरी गलती को। तो कोई ये बेनिफिट ऑफ डाउट निकाल दे लाइफ से अपनी, ये कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना किसी ने तुझे। तुझे छोटी सी गलती होगी और उसको देख किस लेवल के ऊपर सिग्निफाई किया जाएगा तेरी ड्राइव को रोकने के लिए। जिंदगी में गलत चीजों को सुनेगा क्या उठाएगा लाइफ को, हर गलत को कान नहीं देने होते, अगर इन चीजों को सुनेगा बेटा तो तेरे कलेजे फाड़ देगी आगे से। चलता रहे, लड़ता जा, बिखरता जा, जमा करता जा, कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अ लोन मैन, नोबडी विल बी देयर विद यू, ग्राइंड इट हार्ड, नेल इट हार्ड। अरे वो जिंदगी क्या जो कलेजे ना धड़का दे अगलों की, वो जिंदगी क्या जो कलेजे ना धड़का दे अगले की, ये जिंदगी है कोई? हम अपने बच्चों को कहते हैं जिंदगी जी, शेर के मानन जी, 10 कुत्ते भौंक रही तो शेर 11वां नहीं बनता बच्चे, हिला के जान माशरे को, एंड में हार भी गया तो क्या होगा, अपना गीत गवा लोगों के सीनों के अंदर से, बोल मैं तो जाऊंगा पूरी कौम कब्र में लेके जाऊंगा अगर नहीं आई साथ में, हिला दूंगा पूरी दुनिया को अगर मेरे साथ नहीं आया कोई। इतना जज्बा होना चाहिए कि मरी भी रूहों के अंदर की जज्बे फूक सके, तू वो रूह फूक सके जो इकबाल की खुदी है, इतना हिलाना तूने आगे के ऊपर। तो इसके लिए बेटा ये जो यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग ये इस पे ना कर, पत्थर मार किस्म की जड़ सोच होनी चाहिए इंसान की, मैं ही ठीक हूं और मैं ही करूंगा इंशाल्लाह, खलास। ये कंफ्यूजन डाउट में नहीं होता, ये कंफ्यूजन तो डाउट के अंदर नहीं खींच सकेगा तू, ये डाउट कंफ्यूजनों में नहीं होना, ये मुझे लग रहा है ट्राई कर लेना चाहिए, बोल यही है। अल्लाह डालेगा तेरी गलतियों के अंदर भी वो बरकतें अल्लाह डालेगा, तेरे गलत फैसले भी अल्लाह ठीक करेगा, तू ठीक हो जा। तो बेटा मोहताज रह के चल, भरोसे ना करी यार किसी के ऊपर। एवरी पर्सन शेकिंग हैंड विद यू इज डेफिनेटली नॉट योर फ्रेंड, और कमजोर पतली हालतों में तो देख के अपना कलेजा खोली अगलों के आगे, उनके उन्हीं वक्तों की बातें होंगी जो आगे की तरक्कियों के अंदर इस्तेमाल की जा रही होंगी तेरे खिलाफ। उन्हीं वक्तों में जब तू झोल में बैठा हुआ था, थोड़ा सा लूज बैठा हुआ था, जुबान से जुमले स्लिप हो गए, वो इस्तेमाल होगा तेरे खिलाफ। द बिगेस्ट एनिमी लाइज इनसाइड योर ओन हार्ट, द बिगेस्ट एनिमी अगेंस्ट योर ओन प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल इनसाइड यू, द बिगेस्ट इमोशन दैट इज गोना डिस्ट्रॉय यू इज द इमोशन इनसाइड यू। गैर नहीं आके मारता, ये अपना आप अंदर से मार देता, और वैसे भी गैर नहीं मारता सिस्टम में, अपने ही होते हैं मारने वाले, गैर कभी नहीं होता मारने के लिए, गैर थोड़ी मार सकता है आके, ये अपने ही होते हैं जिन्होंने साथ बिठाया होता है, ये अपने होते हैं जिन्हें कभी कंधा दिया होता है सहारा दिया होता है, ये अपने ही होते हैं जिन्हें कभी गले और कलेजे लगाया होता है जब उनकी हालतें खराब थी, ये अपने ये मारते हैं आगे जाके, क्योंकि वो आपको कंसीव कर रहे होते हैं आपके लिहाज से जो उस वक्त आपकी औकात होती है। मगर थोड़ा सा फ्लाइट ऊपर जाएगा और देखें फिर गेमें कैसे बदलती है, कैसे पैंतरे बदलेंगे, कैसे आएंगे शैतान आपको रोकने के लिए। एंड लास्ट बट द लीस्ट आई वुड वांट टू से कि बेटा इस सफर में पहुंचने के लिए, ये जमीन आसमान के उसूलों को लगाने के लिए, अपने आप को ठीक करके फिर एक कौम खड़ी करने के लिए और एक रेवड़ को मां तक पहुंचाने के लिए, बेटा अल्लाह का साथ अगर तेरे साथ नहीं है ना, तो स्ट्रेस मार देगा तुझे, तुझे स्ट्रेस मार देगा, तुझे एंग्जाइटी मार देगी, क्योंकि ये कलेजे का जो अंदर जो सीने के अंदर जो धड़कता हुआ गोश्त का लोथड़ा है ना, ये एक हद से ज्यादा नहीं ले सकता। यू आर नॉट अ मैन ऑफ स्टील, यू हैवंट गॉट अ हार्ट ऑफ अ पंपिंग आयरन हार्ट इनसाइड यू, आर अ मैन, यू आर ह्यूमन बीइंग। खोले कल इंसान ज़ईफ़ है, अल्लाह कहता है इंसान कमजोर बनाया हमने, थक जाएगा एक दिन बेटा तू, सब थकते हैं, वहां तक चेकिंग चलेगी, अल्लाह के बगैर कैसे करेगा बेटा। अगर स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपना के चलेगा, उस रूहानियत को नहीं अपनाएगा, उस ताल्लुक को, उस भरोसे और उस एतमाद को नहीं बनाएगा, हो जाएगा, अल्लाह दे देता भी है, गॉड गिव्स इट टू एनीबडी एज़ वेल, बट स्ट्रेस बहुत होगा। ये रात को कहने के लिए यार अल्लाह बड़ा मालिक है, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह बादशाह है, तवक्कल अल्लाह, ये जुमले इंसान की एंग्जाइटी स्ट्रेस कम कर देंगे, अगले दिन तुझे जंग में फिर खड़ा करने के।